जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है उसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियों का पता लगा रहे थे, या गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जान रहे थे कि किस प्रकार का शासन था, कौन कौन से यहाँ पर शासक आए, बहुत सी चीजें हमने देख ली यहाँ पर। अंतिम टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे भूमिदान, कि भूमिदान जो था वो किया जाता था, कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं जिसमें भूमिदान का जिक्र किया गया है। भूमिदान किसको किया जाता था, ब्राह्मण हो या कोई भी धार्मिक संस्थाएं हो उनको भूमिदान किया जाता था। भूमिदान करने के पीछे के लॉजिक थे कि जो इतिहासकार थे वो भूमिदान को लेकर अलग अलग तर्क दे रहे थे। कुछ कह रहे थे कि कृषि करने के लिए भूमिदान दिया जाता था, कुछ ये कहते थे इतिहासकार की राजा की स्थिति दुर्बल हो गई थी तो अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वो क्या कर रहा था, भूमिदान कर रहा था ताकि लोगों का समर्थन उसको मिल सके। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा नगर और व्यापार, ठीक है, नगर और व्यापार की जो प्रमुख नगर थे गुप्तकालीन समाज के प्रमुख जो नगर थे वो नगर इंपॉर्टेंट जगह, चाहे वो समुद्री मार्ग हो या जल मार्ग हो, वहां पर बसे हुए थे, चाहे आपके उज्जैनी हो, पाटलिपुत्र हो, ये बहुत से ऐसे नगर थे जो बिल्कुल समुद्र के किनारे कह सकते हैं या जो स्थल मार्ग है वहां पर बसे हुए थे, जहां से आसानी से क्या हो जाता था, व्यापार हो जाता था। यानी व्यापार, व्यापार हमने बताया कि कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, किस प्रकार से व्यापार करते थे, जल मार्ग के द्वारा, थल मार्ग के द्वारा। फिर क्या है, यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब एक छोटी सी एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी बुक में एक छोटी सी कहानी है, एक गांव है, छोटा सा गांव, उसके जीवन के बारे में बता रखा है कि उस गांव में जब लोगों ने देखा तो उस परिस्थिति का क्या किया, वर्णन किया। अब इस गांव की जो कहानी है उसका पता हमें चलता है या उसके बारे में जो बताया गया है वो एक पुस्तक है, हर्षचरित। एक पुस्तक है हर्षचरित जो काय में लिखी गई है संस्कृत में, हर्षचरित पुस्तक है एक और वो लिखी गई है आपके संस्कृत में। और इसमें कौन से शासक का वर्णन है या उसमें कहानी है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन। याद रखेंगे कि जो हर्षचरित पुस्तक है, हर्षचरित जो पुस्तक है वो संस्कृत में लिखी हुई है और इसमें किसका वर्णन है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के बारे में। और इसी पुस्तक में एक गांव के जीवन के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। ये यानी कि कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन है उसकी जीवनी है, ये जीवनी हर्षवर्धन की जीवनी है, ये हर्षचरित, ठीक है। और ये जो हर्षचरित है वो लिखी है आपके बाण भट्ट ने। याद रखेंगे हर्षचरित लिखने वाले थे बाण भट्ट, ये लिख लीजिए आप। यानी हर्षचरित की जो रचयिता थे वो कौन थे आपके, बाण भट्ट। इस बाण भट्ट ने एक बस्ती का चित्रण किया अपनी इस पुस्तक में, एक बस्ती का चित्रण कि उस बस्ती में जब मैं गया तो मैंने क्या क्या चीज वहां पर देखी, ठीक है। तो देखो इस पुस्तक के जरिए उसने बस्ती के बारे में क्या बताया कि बस्ती जो बसी हुई थी, जो बस्ती बसी हुई थी उसके किनारे पर अधिकांश जो क्षेत्र उसके किनारे का वो क्या है, जंगल था। यानी बस्ती के आसपास का जो क्षेत्र था या किनारे पर जो क्षेत्र था वो क्या था, जंगलों से भरा हुआ था। और वहां पर जो धान की उपज है, जो धान की उपज है वो की जाती थी और उपजाऊ भूमि जो थी वो क्या है, किसानों ने आपस में बांट रखी थी। यानी उस बस्ती का वर्णन कर रहे हैं हम, क्योंकि इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था व्यापार और वाणिज्य,
उससे रिलेटेड ये चीज बता रखी है कि उस समय के लोग क्या क्या करते थे। तो उस समय क्या हुआ कि जो बस्ती के किनारे जो जंगल था या अधिकांश जो क्षेत्र था वो क्या था, जंगल से घिरा हुआ था, और यहाँ पर धान की खेती की जाती थी। धान की खेती के साथ साथ जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको क्या कर लिया था, किसानों ने आपस में बांट लिया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, किसानों ने बांट लिया। अधिकांश किसान जो अधिकांश किसान है वो कुदाल का प्रयोग करते थे, कुदाल। अधिकांश जो किसान है वो किसका प्रयोग करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुदाल का प्रयोग करने के पीछे का रीजन है, जंगल है तो पथरीला एरिया है, कठोर है तो उसमें हल चल नहीं सकता था, इसीलिए अधिकांश किसान क्या करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे, कुदाली, कुदाल का प्रयोग करते थे यहाँ के लोग। ठीक है, ठीक है। और ये बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वो पेड़ की छाल के गट्टर लेकर चलते हैं, यानी बाण भट्ट ने क्या बताया कि यहाँ के जो लोग थे वो जो पेड़ की छाल है उसको लेकर चलते थे। ठीक है, और उसके बाद में फूलों से भरे बोरे, यानी कहने का मतलब फूलों से भरे बोरे हो गए, उसके बाद में अलसी और सन जिसे कपड़ा बनता है, आपके फूलों से भरे बोरे हो गए, अलसी हो गया, सन हो गया, उसके बाद शहद हो गया, मोरपंख हो गया, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी, मोम लकड़ी और घास के बोझ, यानी जो घास का बोझ होता था उसको, बोझ को लेकर आते जाते थे। ये देख लीजिए, एक छोटी सी कहानी बता रखी है बेटा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बोला नहीं जा रहा है सही ढंग से, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि मैं पढ़ा सकूं आपको भी। कहने का मतलब नगर और व्यापार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और नगर और व्यापार में एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि वहां के लोग भी क्या क्या कर रहे थे। हर्षचरित एक पुस्तक है जिसकी रचना की बाण भट्ट ने, और जिसमें किसका वर्णन है, हर्षवर्धन के जीवन का। इसमें एक बस्ती का वर्णन किया हुआ है कि लोग क्या क्या कर रहे थे। तो इसने बताया कि यहाँ पर धान की उपज करते थे लोग, और जो आसपास की जमीन होती थी जंगल, तो उपजाऊ जमीन जो होती थी उसको लोग आपस में क्या कर लेते थे, बांट लेते थे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ की छाल के गट्ठर लेके चल रहे हैं, कुछ फूलों से भरे हुए बोरे हैं, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम लकड़ी और घास के बोझों को लेकर आते जाते देखे गए हैं। तो कहने का मतलब इनसे इस चीजों का पता लगता है कि ये बहुत सी चीज यहाँ पर होती थी, या फिर यहाँ से होकर दूसरी जगह जाती थी, या फिर दूसरी जगह से यहाँ पर ये चीजें आती थी। इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं इस कहानी में। इस कहानी को बताने का मेरा मोटिव यही था कि इसमें एक नाम आया हर्षचरित। क्वेश्चन आता है कई बार कि हर्षचरित के रचयिता कौन है, कौन है, बाण भट्ट। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बताया गया है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी, इसीलिए ये कहानी मैंने आपको बताई है। बाकी इसमें कहीं भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें कहीं भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें केवल क्वेश्चन जो बन रहा है वो यही बन रहा है कि हर्षचरित के रचयिता
और इसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है? तो इसमें जानकारी दी गई है कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में बताया गया है। मिटा दो बेटा, मेरा मिटा दू क्या? यस सर। ये अपना हो गया नगरीय व्यापार, ठीक है। अब आ गए आपके नगरीय जनसंख्या। जो नगर की जनसंख्या थी या नगर में जो रहने वाले लोग थे वो कौन कौन से थे, तो इनके बारे में आप एक एक करके लिखते जाइए। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, लिखो। नगरों में विभिन्न प्रकार के नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, एक बताया शासक, शासक किले बंद नगर में, बस ये याद रखेंगे आप यहाँ पर कि जो नगर थे उस समय के उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग प्रकार के, लेकिन जो शासक होते थे वो कहाँ रहते थे? किले बंद नगरों में। ये लिख लीजिए पहला। नेक्स्ट लिखो, यहां पर कई पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी इतिहास को जानने वाले पुराने अवशेष जो है वो यहां से क्या है, प्राप्त हुए हैं, जैसे जिनमें मिट्टी के कटोरे, मिट्टी के कटोरे, थालियां। यहां पर कई पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें मिट्टी के कटोरे, थालियां, सोने चांदी कांस्य, सोने चांदी कांस्य, सोने चांदी कांस्य, तांबे, हाथी दांत, तांबे, सोना चांदी कांस्य, तांबा, हाथी दांत, हाथी दांत, हाथी दांत, जैसे क्या, हाथी दांत का लिख लीजिए शीशे, शीशे जैसे अलग अलग प्रकार के, शीशे जैसे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पदार्थों के गहने, अलग अलग पदार्थों के गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन आदि मिले हैं। ये लिख लीजिए बेटा। क्या लिखेंगे आप कि जो नगरीय जनसंख्या है उसमें हमने क्या देखा है कि नगरीय जनसंख्या में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत प्रकार के, और जो राजा वर्ग था, शासक वर्ग, वो क्या है, किले बंद नगर में रहते थे। उसके बाद में यहाँ पर कई प्रकार के पूरा अवशेष
जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, थालियां हो गई, सोने चांदी कांस्य तांबा आदि के क्या मिले हैं, अलग अलग प्रकार के गहने उपकरण हथियार और औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मैडम लिख रहे हो? मैडम लिख लिया क्या? यस सर। यानी आप समझिए, नगरी जनसंख्या में अभी देखो समझ में आ जाएगा। आप देख रही जहीं भी आप जिस नगर में आप रहते हैं, जहां पर आप रहते हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के लोग हो गए। जो राजा था वो क्या था, किलेबंद नगर में रहता था। जब खुदाई की तो यहाँ पर जो पूरा अवशेष है, जो खुदाई के दौरान मिलने वाले अवशेष है, जिसमें मिट्टी के कटोरे, थालियां, सोने चांदी कांस्य तांबे हाथी दांत शीशे आदि से अलग अलग प्रकार की क्या बने हुए हैं, गहने उपकरण हथियार और बर्तन आदि मिले हैं। अब देखिए कि जो एक चीज यहाँ पर आती है कि मिट्टी के जो कटोरे हैं और जो थालियां हैं, मिट्टी के जो कटोरे और थालियां हैं उन पर, मिट्टी के कटोरे और थालियों पर चमकदार कलई कलई छड़ी हुई है, यानी उसको सजाया गया है। मिट्टी के बर्तन और कटोरे थाली को क्या किया है, चमकदार कलई से सजाया गया है। चमकदार कलई जो है उसके ऊपर चढ़ी हुई है। और इन बर्तनों को क्या कहा गया, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। क्वेश्चन कर लिया जाए कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से क्या तात्पर्य है, तो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से क्या तात्पर्य बताएंगे आप, कि जब गुप्त काल में खुदाई की गई तो पूरा अवशेष प्राप्त हुए। इन पूरा अवशेषों में जो मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है उसके ऊपर क्या है, चमकदार कलई छड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। और चमकदार कलाई छड़ी हुई है तो इसका जो इस्तेमाल करते थे वो क्या करते थे, अमीर लोग। काफी महंगी वस्तु रही होगी ये, काफी महंगी थी ये चीजें, इसलिए इसका इस्तेमाल कौन करता था या इसका उपयोग कौन लेता था, अमीर लोग। लिख लीजिए आप, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र का मतलब है कि मिट्टी के कटोरे और थालियां जिनके ऊपर चमकदार कलाई छड़ी हुई है वो क्या कहलाते हैं, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, जिसका इस्तेमाल कौन करता है, अमीर लोग। लिख लिया, बेटा लिख लिया क्या? यस सर। नेक्स्ट लिखो इसी में कि द्वितीय शताब्दी आते आते द्वितीय शताब्दी आते आते कई नगरों से दानात्मक
दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी द्वितीय शताब्दी आते आते कई नगरों से दानात्मक, जिसमें किसका वर्णन है, दान देने का। द्वितीय शताब्दी आते आते कई नगरों से दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम वह उसका व्यवसाय लिखा है, देख लीजिए आप कि जो द्वितीय शताब्दी आई, खुदाई हो रही थी, देखो बर्तन मिल गए, कई प्रकार की चीजें मिल गई, और खुदाई में द्वितीय शताब्दी में क्या है, दानात्मक अभिलेख, ऐसे अभिलेख जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, दान देने वाले का नाम और उनका व्यवसाय। नेक्स्ट, इन नगरों में रहने वाले धोबी, इन नगरों में रहने वाले धोबी बुनकर, इन नगरों में रहने वाले धोबी बुनकर बढ़ई लिपिक, देखो इन नगरों में कौन कौन लोग रहते थे, इन नगरों में रहने वाले धोबी बुनकर बढ़ई लिपिक कुम्हार स्वर्णकार अधिकारी कुम्हार स्वर्णकार अधिकारी स्वर्णकार अधिकारी धर्मगुरु व्यापारी धर्मगुरु व्यापारी तथा राजाओं का उल्लेख मिलता है, लिख लीजिए भाई। नगरीय जनसंख्या के बारे में देख रहे हैं कि नगर में कौन कौन से लोग रहते थे, उसके बारे में आपको एक चीज बता दी कि नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है, और जो राजा शासक होते थे अधिकांश वो क्या है, किलेबंद नगरों में रहते थे। खुदाई हुई, पुरा वस्तुओं में क्या क्या प्राप्त हुआ, मिट्टी के कटोरे थालियां सोने चांदी तांबा कांस्य हाथी दांत और शीशे के क्या मिले हैं, गहने मिले हैं, उपकरण मिले हैं और हथियार बर्तन आदि मिले हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये मिले हैं, इसमें जो मिट्टी के बर्तन और कटोरे थालियां जो है उसमें चमकदार कलाई चढ़ी हुई है, जिसको क्या कहा गया, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, जिसका इस्तेमाल कौन करते थे, अमीर लोग। उसके बाद में जब द्वितीय शताब्दी आई तो यहां पर आते आते कई नगरों से दानात्मक अभिलेख, ऐसे अभिलेख जिनमें दान देने वाले का नाम और उनका व्यवसाय लिखा होता था। अन्य लोगों में धोबी बुनकर बढ़ई लिपिक कुम्हार स्वर्णकार अधिकारी धर्मगुरु व्यापारी तथा राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। लिख लिया, बेटा लिख लिया क्या, बेटा लिख लिया क्या, लिख लिया क्या बेटा? यस सर।
अब आगे चलते हैं, देखो इसी में ही एक और लिख लीजिए कि कभी कभी, ये तो चीज हो ही गई कौन कौन से लोग मिलते थे, लेकिन कभी कभी जो उत्पादक है, जिस चीज का उत्पादक करते थे उत्पादकों, कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है। कभी कभी क्या है कि जो उत्पादक है, जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, जो व्यापारी है, यह बताया गया है कि इनका क्या होता था, एक संघ बना हुआ रहता था। जैसे अभी अपने संघ बने हुए रहते हैं, जिसे जिन्हें श्रेणी कहा जा, श्रेणी कहा गया है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है, ये देख लीजिए आप। यानी कि कभी कभी उत्पादक जो है, जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, और जो व्यापारी है, उनके संघ का पता चलता है कि ये जो व्यापारी और उत्पादक थे, इनका भी एक क्या था, संघ बना हुआ था। जैसे अभी अपन कोई संगठन बनाते हैं, तो वैसे भी उस समय क्या है, एक संगठन बनता था, जिसको क्या कहा गया, श्रेणी। इसमें और लिख लीजिए, यह व्यापारी लोग, यह व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीदकर उनसे सामान बनाकर बाजार में बेच देते थे। लिख लिया बेटा, लिख लिया। ये हो गया आपके टॉपिक कंप्लीट, नगरीय जनसंख्या, कि नगरों में जनसंख्या के रूप में कौन कौन से लोग रहते थे, ठीक है, राजा शासक वर्ग कहाँ रहता था, और जो पुरावस्तुएं मिली है वो कौन कौन सी मिली है, ठीक है, कुछ अभिलेख कौन से मिले हैं, द्वितीय शताब्दी में आते आते दानात्मक, दान देने वाले अभिलेखों के बारे में पता चला है, जिसमें इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम और उसका व्यवसाय क्या किया जाता था, लिखा जाता था। इसके अलावा धोबी हो गए, लिपिक हो गए, बढ़ई हो गए, बुनकर हो गए, कुमार, स्वर्णकार अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी, राजाओं आदि का भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। उसके बाद में जो कभी कभी जो उत्पादक, जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, और जो व्यापारी है, उनके संघ का उल्लेख भी मिलता है कि इनका एक संघ बना हुआ था, जिसको क्या कहा गया था, श्रेणी कहा गया है। और ये व्यापारी क्या करते थे, कच्चे माल को खरीद लेते थे, और इस कच्चे माल से क्या बनाते थे, सामान, और उसको बाजार में बेच देते थे। समझ में आ गया, ये ना समझ में आ गया? यस सर। आज तक का टॉपिक
कंप्लीट है, मेरे से थोड़ा बोला नहीं जा रहा बेटा तबीयत की वजह से। दो बच्चे जुड़े हुए आज, ठीक है बेटा। लीव हो जाइए बेटा, लीव हो जाओ। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब अपना जो नगरीय जनसंख्या का टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो गया है। बेटा लेफ्ट हो जाओ, लीव हो जाओ मीटिंग से।